अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 मंथ की ट्रेनिंग करने के बाद किन सोल्जर के साथ ये होता है कि उनको वापस घर भेज दिया जाता है और किन के साथ ऐसा होता है कि उनका ट्रेड तब्दील कर दिया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अब ये बहुत वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको देगी इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो के एंड तक लाजमी देखना है। चलो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये किन के साथ होता है कि जिनका ट्रेड तब्दील कर दिया जाता है और कुछ को घर भेज दिया जाता है ट्रेनिंग के 3 मंथ की ट्रेनिंग के बाद। ऐसा होता है जब आप 3 मंथ की ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते हैं तो रावलपिंडी GHQ से एक टीम आती है जो कि आपका एक टेस्ट लेती है। आपका टेस्ट लेने के बाद आपका फ़िज़िकल वगैरह भी दोबारा होता है उधर जाकर, मेडिकल भी दोबारा होता है। अगर कुछ ऐसे होते हैं जिनके सिफारिश हो जाते हैं या इनिशियल तो सिफारिश बेस पर कामयाब हो जाते हैं, मतलब जिनका कार्ड वगैरह छोटा होता है उनको सोल्जर GD सोल्जर भी भेज देते हैं या फिर कुक पर भेज देते हैं या फिर सिफारिश बेस पे आगे चले जाते हैं। लेकिन आगे जाके वो आपका मेडिकल दोबारा होता है। दोबारा होने के बाद मेडिकल में आपका मेडिकल फिट है फिर भी है, लेकिन कुछ होता है सिफारिश बेस पे आगे चले जाते हैं। तो अगर आप मेडिकल में आप अनफिट है ना तो आपके कुछ कंडीशन होती हैं कि आपको वहाँ पे रहने दिया जाता है। अगर वो कंडीशन आप पे लागू नहीं होते तो आपको वापस घर भेज दिया जाता है 3 मंथ की ट्रेनिंग करने के बाद भी। कल मैं एक ग्रुप देख रहा था कल कुछ दिन पहले, तो उधर बात हो रही थी, एक लड़का बात कर रहा था कि मैंने 3 मंथ ट्रेनिंग की थी उसके बाद मुझे वापस घर भेज दिया था। उसका यही मेडिकल का मसला था। और ट्रेड किनका तब्दील होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड उनका तब्दील होता है, सपोज करें कि एक बंदा है इधर से वो जा गया चला गया GD सोल्जर चला गया सिफारिश बेस पे, उधर जाकर उन्होंने हाइट की, उसकी हाइट कम निकली है। तो अगर उसकी तलीम इंटर है या उसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो उसको फिर वो क्लर्क एज ए क्लर्क सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर उसके पास मैट्रिक है तो फिर उसको एज ए कुक सेलेक्ट कर देंगे, GD सोल्जर नहीं रहने देंगे। तो ये सिफारिश बेस पर जाते हैं, इनका आगे जाके कुछ भी नहीं है, मतलब आगे जाते हैं सिफारिश बेस पे चले गए अगर ये इसका पोस्ट के लिए काबिल नहीं होते जिस पे वो गए हैं तो उस पे उसको नहीं रहने देते। तो ये आप जहन से निकाल दें कि अगर हम चले जाएंगे यहाँ सिफारिश पे तो आगे जाके हम कोई मसला नहीं होगा, ये नहीं होता। आप ये ना सोचेंगे इधर से चले जाएंगे तो उधर जो आके कामयाब हो जाएंगे, उधर जाके भी आपका टेस्ट होना ही होना है, फिज़िकल भी होना है मेडिकल भी होना है। इधर आसान होता है, उधर जाके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है मुश्किल भी होता है, ताकि आपका पता चल सके आप सिफारिश बेस पे तो नहीं आए तो सारा आपके पास आप करने के बाद आपको वहाँ पर रखते हैं जो इस काबिल होते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।